हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको लेफ्ट और राइट का जजमेंट बताने वाला हूँ। किस तरह से हम लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट करते हैं ड्राइव करते समय। आप देख सकते हैं किस रोड में हूँ मैं, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं जजमेंट करते हुए अपनी कार को ड्राइव करता हूँ। मैं 30+ की स्पीड में हूँ अभी, जिसमें कि आगे से आने वाला ट्रैफिक भी है। मुझे राइट का भी जजमेंट लेना है, क्योंकि आगे से जो आने वाला ट्रैफिक है उसका भी ध्यान देना है मेरे को। और लेफ्ट में देखिए आप, ये वॉल है जैसे, के साथ मेरे को ये चीज ध्यान रखनी है कि मेरी कार जो है रोड के लेफ्ट पार्ट में रहे। मतलब आगे ये जो चौड़ा रोड पूरा देख रहे हैं, इसमें दो पार्ट होता है, सामने से आने वाली कार या व्हीकल है और मैं जहाँ जा रहा हूँ। तो इसका जजमेंट हम कैसे करते हैं न्यू ड्राइवर्स को, ये चीज के लिए थोड़ी सी पैनिक हो जाते हैं वो, या समझ में नहीं आता है कि हमारी कार, ये देखिए जैसे, इसमें हमारी कार कितनी डिस्टेंस में निकलनी चाहिए या हमें कैसे जजमेंट लगाना चाहिए। तो कम्प्लीटली वीडियो फ्रेंड्स इसी के बारे में होने वाली है, किस तरह से हम लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेते हुए कार को निकालेंगे। कभी ओवरटेक लेना होता है, ये देखिए कितनी डिस्टेंस में है ये व्हीकल, उसके ध्यान रखते हुए मेरे को कार को आगे बढ़ाना होगा या ओवरटेक लेना होगा। सामने से आती हुई ट्रैफिक पर भी ध्यान देना होगा। कम्प्लीटली फ्रेंड्स इसके बारे में वीडियो होने वाली है, किस तरह से हमारा लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट होने वाला है। और इसमें मैं डैशबोर्ड में आपको किस तरह से मार्किंग करनी है इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपना जजमेंट परफेक्ट कर सकेंगे। कभी भी आप ड्राइव करें, टू वे लेन हो, मार्केट मार्केट बिजी रोड हो, या बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो, आपका जजमेंट कैसे होना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखें फ्रेंड्स, स्किप ना करें, आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा किस तरह से हमारा जजमेंट होना चाहिए। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहते हैं और दूसरी किसी रिलेटेड भी पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में आगे चल के, अभी जैसे टू वे रोड में हूँ मैं, टू वे लेन में ये होता है कि हमारा लेफ्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट हमें देखते हुए, ध्यान रखते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना होता है। अभी मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊंगा किस तरह से हमारी मार्किंग होगी कार में डैशबोर्ड में, जिससे कि हमारा मूवमेंट होगा और हम जब मूवमेंट करेंगे अपनी कार को, स्पीड में हो या स्लो मूविंग हो, हमें ये चीज का जजमेंट लगाना होगा कितनी डिस्टेंस है कार में या कितनी दूरी से मैं कार को निकाल सकता हूँ। अभी देखिए कि आगे जो टाटा सुमो पुलिस की खड़ी है, इसके पास से मैं किस तरह से कार को निकालने वाला हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले हम जजमेंट करने वाले हैं। जजमेंट के लिए हमें टेप जो कि मैं ये यूज करने वाला हूँ, किस तरह से मैं इंस्टॉल करूंगा, कितनी डिस्टेंस में और कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील्स को स्ट्रेट कर लें, इसको आप होल्ड करिए 10 o'clock और 2 o'clock में। अगर आप इस तरह से होल्ड करते हैं, लेफ्ट हैंड जो है 10 o'clock, अगर इसको आप क्लॉक वाइज देखते हैं, ये देखिए स्टेयरिंग को क्लॉक वाइज अगर देखते हैं 10 o'clock और 2 o'clock में अगर होल्ड करते हैं, इस पोजीशन से मैं जो लेफ्ट की तरफ ध्यान दूंगा, ये देखिए लेफ्ट की तरफ इतनी डिस्टेंस में जो कि डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है, इस पे अगर ध्यान दूंगा, आगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उससे मेरे को जजमेंट में मिक्स मैच करना है। ये मेरा टू टू ओ क्लॉक वाला जो डायल है और मिडिल डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट है, उससे होते हुए स्ट्रेट की तरफ अगर मैं देखता हूँ डिस्टेंस में, जब आगे वाली व्हीकल में डिस्टेंस है समझ लीजिए 5 फीट 10 फीट, तो उस डिस्टेंस में अगर मैं मैच करता हूँ, मिनिमम जो है 3 से 4 फीट होनी जरूरी है और मैक्सिमम जो है 10 फीट, अगर उससे मैच करते हैं तो हमारा जजमेंट परफेक्ट होगा। और एकदम पास में होगा तो उसका मार्किंग अलग से होगा। सबसे पहले मैं ये आपको येलो टेप की मार्किंग करता हूँ, जो कि डिस्टेंस वाली मार्किंग है। ये हो गई फ्रेंड्स डिस्टेंस वाली मार्किंग, लेफ्ट आऊँ यहाँ से अगर डायगनली देखूंगा तो आगे से ये देखिए लेफ्ट की तरफ। अब यही मार्किंग मैं येल्लो से राइट साइड की करके दिखाता हूँ आपको, जो कि मैंने कहा आपको ये 10 o'clock की और ये 2 o'clock, 2 o'clock से अगर मैं स्ट्रेट की तरफ देखूंगा, ये 2 o'clock है डायल का, इसके स्ट्रेट की तरफ मैं देखता हूं, अगर ये जो है स्ट्रेट हल्का सा डायगनल है, ये बहुत ज्यादा डायगनल है क्योंकि हम ड्राइविंग सीट में राइट साइड में, कार के राइट साइड में बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहां से स्ट्रेट अगर देखेंगे तो कार का राइट पार्ट ही होगा। इसलिए आप नोटिस करिए ये वाला जो है 2 o'clock से ऑलमोस्ट स्ट्रेट की तरफ है, हल्का सा टिल्टेड है। ये जो वाइपर जो आगे आप देख रहे हैं, विंडशील्ड का वाइपर है, उसके एंड के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, आप नोटिस करिएगा, ये 2 o'clock और ये 10 o'clock, ये थोड़ा डायगनली मिडल तक, और ये जो है स्ट्रेट आपका राइट साइड का जजमेंट के लिए। अब मैं रेड टेप से मार्किंग करूंगा फ्रेंड्स, जो कि आपका एकदम पास में, आपकी कार के पास अगर कुछ होगा उससे जजमेंट करने के लिए, एकदम कंप्लीटली आपकी कार के सामने कुछ है अगर, उसका जजमेंट हम कैसे करेंगे वो आप देखिए। आपका जो फुल डैशबोर्ड है उसका आप 75% समझ लीजिए, यहाँ से अगर राइट साइड से आप कैलकुलेट करेंगे तो 75%,
और लेफ्ट से कैलकुलेट करेंगे तो 25%, मतलब डैशबोर्ड का हाफ का भी हाफ पार्ट लेफ्ट साइड से, उसको अगर हम जजमेंट में लेते हैं और हमारा 10 o'clock सही, स्टेयरिंग का 10 o'clock अगर आप डायल जो मैंने बताया आपको घड़ी का डायल के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 10 o'clock से मैं 25% तक लूंगा। ये देखिए, ये 10 o'clock से मेरा 25% हो गया, ये स्टेयरिंग की व्हील से जो 10 o'clock होता है उसका 25% से मैंने इसको मार्किंग किया है। अब आप देखिए जो 10 o'clock से 25% होते हुए आप जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज में हमारा जजमेंट, अब आप देखिएगा लेफ्ट का इससे और इससे जजमेंट लगाएंगे, आगे आगे वाली कुछ कार डिस्टेंस में है तो इससे जजमेंट लगेगा, और अगर एकदम पास में है जो मार्केट लोकेशन या बहुत ही बिजी ट्रैफिक ये वाली लोकेशन पे होंगे तो एकदम पास में आपकी कार के एकदम पास में कोई चीज होगी तो इससे जजमेंट लगेगा। अब आप आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैं जजमेंट इसका या मार्किंग किया हूँ, उसका एग्जाम्पल कैसे सेट करते हैं या किस तरह से हमारे लिए सही रहेगा ये। अभी देखिए आप जो लेन में मैं चला रहा हूँ कार, आप आगे नोटिस करिएगा, ये देखिए आगे थ्री व्हीलर आ रहा है, ये चीज दिखाना जरूरी है, आगे थ्री व्हीलर आ रहा है, मेरे पास लेफ्ट में जगह नहीं है। ये देखिए मैं हल्का सा, ये देखिए ये जो पार्ट है मेरा येलो पार्ट मैंने मैच किया आगे वाले व्हीकल से और फिर आगे कार को बढ़ाई है ताकि मेरा राइट साइड क्लियर मिले, और लेफ्ट साइड में आप देखिए जो व्हाइट स्ट्रिप आपको दिख रही होगी और ये मेरे येलो लाइन की आप नोटिस करिएगा, येलो लाइन जहाँ एंड हो रहा है जो मिडिल पार्ट है उसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान देंगे ये देखिए आगे से अगर मैं कोई भी चीज आगे से आ रही है या उसको मैं क्रॉस करने की कोशिश करूंगा तो आप देखिए उसके पास से मैं दूरी से अगर मैं मैच करता हूँ तो इससे मैच करूंगा। ये देखिए ये साइकिल से मैंने मैच किया, इतनी दूर से मैंने मैच किया, ये परफेक्ट हुआ। जब पास आ गई साइकिल, ये देखिए रेड से मैं मैच कर रहा हूँ, तो आपने नोटिस किया होगा जब साइकिल एकदम पास में थी तो मैंने रेड से भी ध्यान दिया, रेड के बाहर की तरफ होनी चाहिए, रेड के अंदर की तरफ होगी अगर एकदम पास में होगी तो हिट हो जाएगी, और अगर दूरी में अगर है कोई थोड़ी सी दूर है जैसे कि जैसे मैंने आपको कहा 3 फीट से 5 फीट की अगर दूरी है तो आप इससे जजमेंट करेंगे, जजमेंट ऐसा होगा। ये देखिए ये बंदे चल रहे हैं, ये मेरे रेड टेप से जैसे ही बाहर आए, एकदम पास में जब थे रेड टेप से बाहर गए तब मैंने कार को आगे बढ़ाया। तो फ्रेंड्स मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ये अगर आपकी दूरी में कोई है, ये देखिए दूरी में अगर कोई है तो आपने जजमेंट इससे लगाना है, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस पार्ट से आपका जो मिडिल पार्ट है या ये जो लाइन है इसके बाहर की तरफ है तब तक सेफ है अगर दूरी में है, तो इसके अंदर की तरफ जैसे ही आता है दूरी में है, अगर 3 फीट की दूरी है इसके अंदर की तरफ आता है तो चांस है हिट होने का। उसके बाद भी आप जब तक पास में पहुंचेंगे उस ऑब्जेक्ट के, आपने मतलब आपकी कार के जस्ट पास में ऑब्जेक्ट, आपकी ये जो रेड वाली लाइन है इसके बाहर की तरफ होना चाहिए जब एकदम आप पास पहुंच जाएंगे या आपकी कार के एकदम पास में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अभी मैं आगे चलता हूं आपको दिखाऊंगा, आगे चल के कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में आता है मेरे मेरे कार के सामने आता है तो मैं उसका जजमेंट कैसे करूंगा। अभी मैं आगे बढ़ा रहा हूं कार को, आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि मेरी कार जो है राइट साइड का व्हील्स जो कि जजमेंट है जिससे मैं जजमेंट लगा रहा हूँ इसके बाहर की तरफ कोई भी चीज होनी चाहिए या कोई भी ऑब्जेक्ट जो बाहर आगे बाहर से आ रही है या सामने से आ रही है उसका जजमेंट में, ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है तो इसको मैं कैसे जजमेंट में लगा रहा हूँ। मैंने एकदम पास में लिया, रेड लाइन के बाहर किया, फिर आराम से निकाला। आपने नोटिस किया होगा लेफ्ट व्हील जो है गड्ढे में नहीं किया, वेयर एज राइट व्हील किया क्योंकि छोटा गड्ढा था राइट साइड में। अब ये व्हाइट कार देखिए मेरे येलो लाइन के बाहर की तरफ है, मैंने जजमेंट लगाया, और ये लेफ्ट का येलो लाइन जो है इससे भी जजमेंट लगाते हुए मैं निकाला हूँ कार को, फिर मैं आगे कार को बढ़ाया हूँ अपनी। ये देखिए जो चल रहे हैं इनको पहले येलो से मैच किया, अब रेड से मैच करते हुए देखा कि वो बाहर चले गए जैसे एकदम पास में पहुंचा। आगे देखिए जो टाटा सुमो खड़ी है पुलिस की, पहले मैंने येलो से मैच किया, एकदम पास आई तो देखिए रेड से मैच हुआ, अब मैंने आगे बढ़ाई कार को। तो आपने नोटिस किया कि जो मैंने जजमेंट का ये जो टेप लगाई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आप न्यू ड्राइवर हैं अभी लर्निंग कर रहे हैं करना स्टार्ट किए हैं, अभी यहाँ से देखिए ट्रक किस तरह से आ रहा है और मेरे पास जगह कितनी है, मैंने स्लो किया क्योंकि टर्निंग थी, ट्रक टर्न लेने लगा था तो हमें, और रोड भी थोड़ा सा खराब है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा टर्निंग में भी हमें जजमेंट परफेक्ट करने के लिए यही पॉइंट से ही सही तरीका रहेगा। ये देखिए बाइक आई, मेरे को जजमेंट के लिए जगह मिल गई, ये जो येल्लो लाइन है उसके बाहर की तरफ बाइक थी तो मैंने आराम से कार निकाल ली। अभी यहाँ पे देखिए आप किस तरह से मैंने ड्राइव किया और ये बैरिकेड को कैसे मैं क्रॉस करूंगा। ये देखिए 5 फीट की दूरी में येलो से मैच, जैसे ही पास आया रेड से मैच, अब यहाँ राइट साइड में देखिए येलो से मैच, येलो से बाहर की तरफ किया अपनी कार को बढ़ा ली। यहाँ पे बड़ा एक पॉट होल है,
मैं एकदम राइट की तरफ गया हूँ, अपना जजमेंट लेते हुए राइट साइड का जो येलो लाइन है उससे जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया हूँ।